तो हेलो दोस्त, मैं आपका फ्रेंड अक्षय आपको लेके आ गया हूँ बनारस रेलवे स्टेशन पे। पहले इसका नाम मड़ुआडी था, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बनारस रेलवे स्टेशन है। इसका मैं आज वीडियो डालूँगा। मड़ुआडी, हेलो दोस्त, मैं मड़ुआडी स्टेशन पे आ गया हूँ और अभी आपको कुछ ये दिखा रहा हूँ। ये कुछ बना हुआ है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे ये क्या है। अब धीरे धीरे आपको सब समझ में आ रहा होगा। ये महात्मा गांधी जी का चित्र है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बनारस रेलवे स्टेशन, बनारस आएंगे सबसे पहले रेलवे स्टेशन पे ही आएंगे। अब मैं अभी आपको रेलवे स्टेशन का पूरा व्यू कराऊंगा। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा है बनारस। बनारस आते ही आपको लव फीलिंग आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आगे ले चलता हूँ। हाँ फ्रेंड, तो मैं आपको पूरा बनारस स्टेशन का व्यू कराता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर लिखा है, ये डिस्प्ले में ट्रेन का आने जाने का टाइमिंग दिखाता है। ये बनारस स्टेशन है, आप देख सकते हैं सामने। और ये एक लोको रखा है इसका सैम्बल, और आप देख सकते हैं आपका मेरा तिरंगा ऊपर लहरा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरा दूर से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ बनारस स्टेशन का। जैसे आप देख रहे हैं एक लोको रखा हुआ है यहाँ पे। ये बनारस स्टेशन बहुत ही आगे का स्पेस है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा कोविड की वजह से यहाँ पे बहुत खालीपन लग रहा है। और ये सामने इसके बनारस स्टेशन में अभी अंदर से भी आपको व्यू कराऊंगा। पहले आपको इसके बाहर का ये देख सकते हैं, यहाँ पे अभी शाम होते ही लाइटिंग वाइटिंग चालू हो जाएगा। फाउंटेन वाउंटेन, ये बहुत बड़ा झील टाइप का है, आप देख सकते हैं। ये फाउंटेन बनाया है, आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको अंदर ले कर चलता हूँ बनारस स्टेशन के, आप देख सकते हैं। ये बनारस स्टेशन के अंदर लेके चल रहा हूँ मैं आपको। देखिए एंट्री करते हैं यहाँ पे, ये अच्छी अच्छी पेंटिंग लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये पेंटिंग खूब सारी यहाँ पेंटिंग लगी हुई है, आपको अंदर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, आपको मैं सब दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बैग चेकिंग के लिए है, आप देख सकते हैं। ये काउंटर, टिकट काउंटर है, ये टिकट काउंटर है, आप देख सकते हैं। ऊपर अच्छा सा एकदम पूरा लग ही नहीं रहा है कि हम लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, पूरा एयरपोर्ट लुक दिया गया है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये सामने का व्यू बहुत अच्छा है, इस पर अभी बंद चल रहा नहीं, तो इसके बीच में जो स्पेस है उस पर पानी का स्लाइडिंग होता है फाउंटेन टाइप का। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम भीड़ है, और यहाँ पे अभी कोविड के वजह से बहुत कम भीड़ है। आपको मैं प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, आप देख सकते हैं ये प्लेटफॉर्म है पूरा। यहाँ पे अभी कोई ट्रेन खड़ी हुई है बनारस नई दिल्ली, आप देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा स्टेशन एकदम खाली लग रहा है कोविड की वजह से। पूरा स्टेशन आप देख सकते हैं दूर दूर तक कोई आदमी, एक आध आदमी जो होंगे होंगे, नहीं तो पूरा स्टेशन खाली लग रहा है। दोस्त, मैं स्टेशन पे आपको घुमा रहा हूँ, मैं भी मास्क लगा लिया हूँ, कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल, लेकिन मैं वीडियो बनाने आया हूँ। स्टेशन अभी बहुत खालीपन चल रहा है, और यहाँ देख सकते हैं ये भैया बैठे हैं, ये आरटीपीसीआर कर रहे हैं। भैया आप क्या जी, आप आरटीपीसीआर कर रहे हैं? आरटीपीसीआर। अच्छा, ये भैया का स्टेशन पर ड्यूटी लगा, आप देख सकते हैं जी। और ये अभी इन लोगों का कर दिया, अब हम भी लोग अपना पारी पारा करवाएंगे। जैसे अभी आगे एक वीडियो बना लेता हूँ, फिर मैं भैया का भी बात करते हैं भैया से थोड़ी देर में। यहाँ पे स्टेशन पे बहुत खालीपन लग रहा है कोविड के वजह से, आप देख सकते हैं। इतना भव्य तरीके का स्टेशन बना है, पहले इसका नाम मड़ुआडी था, अभी जल्द में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम बनारस बना दिया है। अच्छा है, ठीक है, आगे वीडियो में मैं और कुछ भी दिखाऊंगा। ठीक है, बाय दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।